नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज ईडी के समन में शामिल ना होने पर बीजेपी ने एक बार उन पर फिर से निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने उन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि सीएम केजरीवाल जरूर कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन में शामिल नहीं हुए। इससे पता चलता है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है और यही कारण है कि वो एक अपराधी की तरह फरार है। अदालतों ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दी है और अदालतों ने माना कि पैसे का लेन देन हुआ है। इन सब के बावजूद वे वही पीड़ित कार्ड खेल रहे हैं। सहजाद पूनावाला ने कहा, जांच एजेंसी के सामने पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रही हैं। चोर की मूछ में तिनका जरूर है। अब विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आपकी चहेती कांग्रेस ने खुद कहा है कि शराब घोटाला हुआ है और हमने शिकायत दर्ज करवाई है। ये वो ही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर कहते थे, पहले इस्तीफा फिर जांच, अब क्या हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज ईडी के समन में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगियों के यहां छापेमारी कर रही है। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ईडी के नोटिस भेजे गए थे और झूठे आरोप लगाए गए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। यही सच है कि ये एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, बल्कि विपक्ष नेताओं पर दबाव डाल रही हैं।